दूसरा नाम आपने चुना है लेमन ट्री का, तो लेमन ट्री भी आपको दीपावली के चयन के रूप में अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जी क्या चीजें बेहतर होती हुई दिख रही हैं? क्या ये मतलब जो ओपनिंग अप ट्रेड है, क्या ये सीधा सीधा उसका एक रिप्रेजेंटेटिव या उसके अंदर थोड़ा एक मजबूत नाम जो बेहतर पॉइज्ड है आगे जो चीजें खुलने वाली हैं, या मतलब जो मतलब वापस इस सेक्टर में गतिविधियां लौट रही हैं उसका फायदा उठाने के लिए ये सबसे बेहतर जगह पर बैठा हुआ है? जी राजीव जी, एकदम अगर आप देखिए तो जो एक पोस्ट कोविड लॉकडाउन जो हमने देखा, एक एक वर्ड बहुत फेमस हो गया था जो जो था रिवेंज ट्रैवल। लोगों ने बोला कि अब 2 साल हम घर पे बैठे थे, नहीं कहीं जा पा रहे थे, तो अभी लोगों को घर से बाहर निकलना ही था। एंड एक तरह का था कि नहीं, हमें बाहर जाना है, ट्रैवल करना है, थोड़ा घूम लेते हैं। तो उसका काफी बेनिफिट हमने देखा एक होटल स्पेस में, जो ओवरऑल इंडिया में अगर आप देखें तो ऑक्यूपेंसी, एवरेज रूम रेट्स दोनों में काफी बढ़त देखने को मिली। लॉकडाउन में क्या हुआ कि बिकॉज लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे, इन सारी कंपनियों ने अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ही कंट्रोल कर लिया। तो इसे एक ऑपरेटिंग लेवरेज और मार्जिन में शार्प इंप्रूवमेंट देखने को मिला जब लोग वापस ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिए। अगर अब मैं मेरे स्टॉक पिक की बात करूं तो हमारा स्टॉक पिक डेफिनेटली अगर आप देखें तो मार्केट लीडर एक है इंडियन होटल्स, बट हमें ये मिड कैप स्टॉक लेमन ट्री ज्यादा अच्छा इसलिए लगता है कि वो एक मिड सेगमेंट को केटर करता है, जहां पे कि इंडियंस लव टू ट्रैवल एंड लव टू स्पेंड ऑन दैट मिड टायर सेगमेंट। इंडियन होटल्स की प्रेजेंस अक्रॉस द रेंज है बट ज्यादा फोकस 5 स्टार पे है। अगर आप लेमन ट्री की बात करें तो ARR जो है वो मिड सेगमेंट को कैटर करता है, और एक दूसरा सेगमेंट को वो जो कैटर करते हैं, उनकी अराउंड 50 अराउंड 80-85% ऑफ द होटल्स आर लोकेटेड इन बिजनेस डेस्टिनेशन। और हमने देखा अब ये जो पोस्ट लॉकडाउन, अब जो पोस्ट पैंडेमिक बिजनेस एक्टिविटीज हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, और इसका काफी फायदा स्पेशली लेमन ट्री को मिल रहा है। इन्होंने ओवर द इयर्स अच्छा कैपेसिटी एक्सपेंशन भी किया है, न्यूअर होटल्स ऐड किए हैं, एंड फोकस रहा है कि मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू न्यूअर एसेट्स लाए ताकि बैलेंस शीट पे प्रेशर ना पड़े। तो ये दोनों तीनों कारण की वजह से अगर आप देखें तो रिटर्न रेशियोज अच्छे इंप्रूव हुए हैं, मार्जिन्स में काफी बढ़त देखने को मिली है, और ओवरऑल जो डिमांड है वो तो फेस्टिव सीजन में भी देख रहे हैं हम कि अच्छा चल रहा है। अब ये दिवाली है, उसके बाद न्यू ईयर हॉलीडेज आएगा, तो ये फेस्टिव सीजन और हॉलीडे सीजन का काफी बेनिफिट लेमन ट्री को मिलेगा। नंबर्स की अगर आप बात करें तो अगेन स्ट्रांग ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। हमें लगता है रेवेन्यू ग्रोथ ऑलमोस्ट 50% अगले 2 सालों में हो सकता है, और जैसा मैं हमारा अनुमान है, मार्जिन्स यहाँ से अबाउट एबिटा मार्जिन जो है 35% का जो पिछले साल का था, वहां से 50% तक का मार्जिन इंप्रूवमेंट हम बोल रहे हैं, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 85-90% ग्रोथ एबिटा में देखने को मिलेगा। तो ये काफी अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ है। रिटर्न रेशियोज, रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़कर जो पहले जो पिछले दो मतलब जो पैंडेमिक के टाइम पे कंपनी लॉसेस में चली गई थी, वहां से इंप्रूव होकर अबाउट 16 odd%, 13-14% का रिटर्न रेशियोज देखने को मिलेगा। तो इससे हमें लगता है कि ये स्टॉक में अच्छी डिमांड, मतलब ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के बाद, एक एक दशक के बाद होटल स्पेस में काफी इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, तो ये एक साइकिल टर्न हुआ है इन फेवर ऑफ होटल स्टॉक्स इन इंडिया। बैलेंस शीट्स आर मच बेटर कंपेयर टू द प्रीवियस साइकिल, एंड जो मार्केट में डिमांड ग्रोथ है उसका बेनिफिट ये मिड स्पेस वाले कंपनीज को अच्छे मिलेगी। वैल्यूएशंस ऑब्वियसली स्टॉक बहुत लास्ट 1 साल में अच्छा खासा चला है, तो जिसकी वजह से वैल्यूएशंस आर बिट ऑन द हायर साइड, बट ये सारे सिक्लिकल स्टॉक्स रहते हैं। ऑन द अप साइकिल द कंपनीज कैन सरप्राइज, बिकॉज 90% का अगर अब हमारा CAGR पैड ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है, तो आप समझ लीजिए वैल्यूएशंस डेफिनेटली कैन कंटिन्यू टू इंच अप। तो यहां से भी हमें लगता है कि 20-25% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। हमारा 1 ईयर टारगेट प्राइस 110 का है। जी, यहाँ पर लेमन ट्री इस समय लगभग 85 के आसपास चल रहा है, वहाँ से आप देख रहे हैं कि साल भर में 110 तक का भाव पहुँच सकता है, लेकिन अभी जिन भावों पर है, एक तरह से कहा जाए सिद्धार्थ जी, ये जो 2018 में 19 में जो भाव दिख रहे थे लिस्टिंग के बाद जो ऊपरी स्तर इसने बनाए थे, उनके आसपास एक बार फिर से लौटा है ये। जी अभी हाल में एक तरह से इसने ऑल टाइम हाई भी बना लिया था, 90 के ऊपर 93 के आसपास तक गया था। तो
क्या अब वहां से बीच में जो भी सारा कुछ हुआ उसको पीछे छोड़ करके अब ये शेयर नए आसमान को छूने के लिए तैयार है? क्या इस समय चिंताएं बिल्कुल नहीं है इस क्षेत्र को लेकर के? सी राजीव जी, डेफिनेटली जो स्टॉक प्राइस मूवमेंट है थोड़ा स्ट्रॉन्गर रहा है, बट ये हमें संकेत ये देता है कि इस एनवायरनमेंट में, जो ग्लोबल वोलेटाइल एनवायरनमेंट में, आप स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को पिक करिए जहां परफॉर्मेंस काफी स्ट्रॉन्ग है। तो हमने क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर अभी देखा है कि नंबर्स काफी अच्छे आए हैं, जो ग्रोथ अनुमान है। डेफिनेटली अगर एक ग्लोबल रिसेशन आता है तो उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है फॉरेन टूरिस्ट के ऊपर, जिसके वजह से हमने इसीलिए ऐसा स्टॉक सिलेक्ट किया है जो लार्जली डोमेस्टिक टूरिस्ट को केटर करता है, ना कि फॉरेन टूरिस्ट को केटर करे। तो इसके वजह से ये थोड़ा इंसुलेटेड है। डेफिनेटली रिस्क और कंसर्न्स मार्केट में जाते हैं, और यहाँ पे और जो उसका 52 वीक हाई से स्टॉक थोड़ा करेक्ट हुआ है, तो एक एक्यूमुलेशन जोन पे है। हमें लगता है डेफिनेटली ये स्टॉक नए आसमान छूने के लिए तैयार है। अगर आप नंबर्स की बात करें तो एस्टिमेट्स मार्जिन जो है वो काफी इंप्रूवमेंट हो रहा है, 35% का हमें लगता है 45-50% तक मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं। नेट प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छा है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 80-90% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ है। तो स्टॉक का वैल्यूएशन अगर आप देखें तो पीई वाइज अभी भी स्टॉक 45 टाइम्स पे ट्रेड करता है, और जो कि कंपनी लॉस से प्रॉफिट की तरफ जा रहा है, तो ये ऑन द हायर साइड हमको ऑन द अपसाइड भी सरप्राइज कर सकता है नंबर्स। अगर आप ईवी एबिटा की बात करें, जो बेटर टर्म है, वो भी अबाउट 15-16 टाइम्स पे ट्रेड करता है, यहाँ पे भी हमें अपसाइड दिखता है, और रिटर्न रेशियोज जो है वो काफी इंप्रूव हो रहा है। तो ये डेफिनेटली ये सारा नंबर्स अगर आप डालें तो एट द करेंट वैल्यूएशन ऑल्सो यहाँ से हमें लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, साइकिल में अपसाइड है। स्टॉक जो कंपनी है वो मिड सेगमेंट को फोकस करती है, जहाँ पे थोड़ा ज्यादा रेजिलियंस है इन द करेंट एनवायरमेंट, एंड बैलेंस शीट भी काफी इंप्रूव हुई है। तो ये स्टॉक डेफिनेटली पॉइज्ड है एक नए हाई को छूने के लिए।